watching Next to 9 News. A very warm welcome to our special program Bollywood Controversy. Well, सितारों के साथ विवादों का एक कभी ना टूटने वाला नाता है. जिस सितारे की जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसके साथ जुड़ जाते हैं उतने ही विवाद. लेकिन अगर कोई आपसे कहे 9 साल की आराध्या बच्चन, जिनका फिल्मी दुनिया से दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं है, वो आराध्या बच्चन कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर जाती हैं, तो आप भी सोचेंगे भला क्यों. वेल, इसी क्यों का जवाब हम आपको इस खास प्रोग्राम के जरिए देंगे. जया बच्चन के बारे में आप सब एक बात जानते हैं, मुद्दा चाहे पॉलिटिकल हो या फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ, जया जी हर मुद्दे पर अपनी खुलकर बात रखती हैं. और एक बार ऐसा ही हुआ, हिंदी सिनेमा का जगत के दौर में एक दौर वो आया जब इंडस्ट्री खुद ही दो हिस्सों में बट गई थी. एक तरफ वो सितारे थे जो कह रहे थे कि इंडस्ट्री के अंदर खूब कमियां हैं, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री में वो सितारे थे जो कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री साफ सुथरी है. अब इस कड़ी में जया जी ने सामने आकर एक स्टेटमेंट दिया, और उनके स्टेटमेंट की वजह से मुश्किलें बढ़ गईं नन्ही आराध्या की. क्या थी पूरी कहानी, वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे. सुनिए जरा. 9 साल की आराध्या बच्चन जो अपनी क्यूट वीडियोस के बलबूते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो जाती हैं, 9 साल की आराध्या बच्चन जिनकी क्यूटनेस लोगों को काफी ज्यादा भाती है, आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको आराध्या बच्चन की ट्रोलिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाएंगे. जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप. आराध्या भी एक बार ट्रॉल हो चुकी हैं, और आराध्या ट्रॉलर्स के निशाने पर आई थी अपनी दादी जया बच्चन के चलते. जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चन परिवार काफी ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार है. ये प्रतिष्ठित परिवार काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहता है. अब इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य ट्रॉलर्स के निशाने पर आ गई, और सबसे छोटी सदस्य को ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ा. ये सब कुछ हुआ था जया बच्चन की एक स्पीच के चलते. जया बच्चन ने संसद में लंबी चौड़ी स्पीच दी और ये कह दिया, बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश रची जा रही है, पूरी इंडस्ट्री को ड्रग्स के कल्चर में घसीटा जा रहा है, ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. जब जया बच्चन ने इंडस्ट्री में ड्रग्स कल्चर को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली, इसके बाद जया बच्चन को खूब सारा ट्रॉल किया गया, और जया जी को ट्रॉल करते हुए लोगों ने आराध्या बच्चन पर भी निशाना साधा. भाई ट्रॉलर्स कहने लगे, सबका वक्त आता है, चिंता मत करिए, आराध्या बच्चन बड़ी हो रही है. लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब आराध्या बच्चन भी ऐसे किसी केस में फंस जाएंगी, जब आराध्या के साथ भी कुछ ऐसा होगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है. हालांकि आपको बता दें, जया बच्चन की इस स्पीच के चलते आराध्या पर ट्रॉलर्स ने जो निशाने साधे, टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने इन ट्रॉलर्स की जमकर क्लास भी लगाई थी. काम्या ने लिखा था, तुम बीमार हो, हाँ यही हो तुम सभी ट्रॉल्स यही हो, आपकी साइड लेकर कहो तो बहुत अच्छे, और अगर सच कहो तो किसी के बच्चे को बीच में लाने से पहले नहीं सोचते हो. मैंने जिंदगी भर ऐसी चीजों का सामना किया है, मुझे और मेरी बेटी को ट्रॉल करना तुम जैसे लोगों के लिए अब ट्रेंड बन गया है. आपको बता दें, सवाल तो आराध्या बच्चन पर उठाया गया, लेकिन यहाँ पर काम्या पंजाबी ने जया जी को भी सपोर्ट किया, आराध्या बच्चन को ट्रॉल करने वाले लोगों को लताड़ भी लगाई. आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री पर एक वक्त काफी ज्यादा कीचड़ उछाला गया, और इसी कीचड़ के खिलाफ जया जी ने अपनी स्पीच में कहा था, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वो इसे गटर बता रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. मैं सरकार से अपील करती हूँ कि वो ऐसे लोगों से कहे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें. आपको बता दें, जया जी के इस बयान के बाद आराध्या ट्रॉलर्स के निशाने पर भी आई,
तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक खुद के साथ बुली और शोषण होने की बात करते और एक दिन अपनी जिंदगी का अंत कर देते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। आपको बता दें, आम लोगों से हटकर कंगना रनौत ने जब जया बच्चन पर खुले तौर निशाना साधा, इस निशाने का कोई जवाब जया बच्चन की ओर से ना तो तब दिया गया और ना ही अब तक दिया गया है। खैर, जया बच्चन और आराध्या का जिक्र हुआ ही है तो चलिए इनसे जुड़ा एक और मजेदार किस्सा सुनाते हैं। ऐश्वर्या राय एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और एक शानदार केयरिंग मॉम है। वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन को दुलारते हुए, आराध्या की देखभाल करते हुए कई बार देखी गई हैं, लेकिन इस बात को शायद ही कोई जानता हो कि ऐश्वर्या घर में अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखती हैं। इस बात पर भी प्रकाश डाला जया बच्चन ने। जया बच्चन ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया, आराध्या के जन्म के बाद की इंटरव्यू हुआ जिसमें जया जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ऐश्वर्या बाहर जाना शुरू करे, लेकिन अपनी बेटी की देखभाल के लिए वो किसी का भरोसा नहीं करती। आराध्या का हर काम खुद ही करना चाहती है। मैं कभी कभी ऐश्वर्या को चिढ़ाती भी हूँ कि आराध्या बहुत लकी है कि मिस वर्ल्ड उसकी नर्स है। ऐश नैनी या मेड किसी के भी भरोसे अपनी बेटी को नहीं छोड़ती। आराध्या की हाइट अच्छी है, उन्हें अपनी माँ और पिता दोनों के लुक्स मिले हैं। उनके लुक्स को लगातार उनके पेरेंट्स के लुक्स से कंपेयर किया जाता है। आराध्या की सुंदरता की बराबरी ऐश्वर्या से की जाती है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को लेकर जया जी अपने इंटरव्यूज में कई बार बातें कर चुकी हैं और उन्हीं इंटरव्यूज को सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हुए आप सब भी देखते रहते होंगे। सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी जिसमें लोगों ने जया जी के बयान के चलते नन्ही आराध्या को बुरी तरह ट्रॉल किया। हालांकि कामिया पंजाबी ने जरूर आराध्या का फेवर लेते हुए ऐसे लोगों को लताड़ा था, फिर कंगना रनौत ने जया जी पर ही कटाक्ष किया। अब इन सबसे हटकर जया बच्चन ने इसके बाद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जया बच्चन ऐश्वर्या और आराध्या के प्यार भरे बॉन्ड को भी सबके सामने बड़े ही प्यार से प्रेजेंट करती हैं। तो आराध्या बच्चन से जुड़ी ये एकमात्र कंट्रोवर्सी थी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस खास रिपोर्ट में दी। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, रहें अपडेटेड।